और इसी के साथ एक ज़रूरी बात एक बार फिर आपको याद दिला दें, क्योंकि 4 अप्रैल को कालचक्र को 12 साल पूरे हो रहे हैं। आप अपने वीडियोस के माध्यम से कालचक्र के इस सुनहरे और बेमिसाल सफ़र का हिस्सा बन सकते हैं। पंडित सुरेश पांडे जी और कालचक्र की पूरी टीम का मनोबल बढ़ा सकते हैं। आप हमें अपने वीडियोस हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है kalchakra@bagnetwork.in। तो आप अपने अनुभव हमसे साझा करेंगे और ये दिन और भी खास बन जाएगा। चलिए भूलिएगा मत हमें ईमेल करना। और अब बात मेष राशि का राशिफल जानने की। तो कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, और साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग मेष राशि के लिए जान लेते हैं। देखिए मेष राशि में राहु की स्थिति है, रोज बताता हूं आपको। द्वितीय भाव में मेष राशि का स्वामी मंगल धन भाव में स्थित है, लेकिन धन भाव का स्वामी शुक्र व्यय भाव में है। इसका मतलब आप भी समझ रहे होंगे, फिजूल खर्ची तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मंगल की ये स्थिति फिर भी आपके आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाए रखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके दशम भाव का स्वामी शनि बुध के साथ एकादश भाव में है और उसकी पूरी दृष्टि आपके राशि पर है, तो नौकरी की उलझन दूर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नए दोस्त बनाते समय सावधान रहना चाहिए, बिना पूरी जानकारी के किसी से दोस्ती या घनिष्ठता नहीं करनी चाहिए। एक्टिव रहने से सेहत अच्छी रहेगी। एक बात कहना चाहता हूँ, राहु और केतु दोनों केंद्रस्थ हैं, इसलिए बेवजह किसी से मनमुटाव हो सकता है। मेरा सुझाव ये है कि मनमुटाव अगर है भी तो उसको सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। आगे हरी इच्छा, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब बारी है वृषभ राशि की। तो आज वृषभ राशि के लिए कैसी रहेगी उनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए सच कहूं तो वृषभ राशि के जातकों का आज का ग्रह गोचर बहुत अच्छा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि वृषभ राशि में मंगल की स्थिति है और एकादश भाव में आमदनी के स्थान में स्वगृही बृहस्पति उच्च के शुक्र के साथ है। अब इससे अच्छा क्या योग लोगे? आप आज जहाँ भी पैसा लगाओगे आपका पैसा दोगुना हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सिर्फ सट्टा को छोड़ करके बाकी आप शेयर में, कमोडिटी में जहाँ भी पैसा लगाएंगे वहाँ आपको बिल्कुल फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पूरे विवेक के साथ आप निवेश करेंगे। आपको अपनी कमजोरियों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपके अंदर आलस्य है, आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर निगेटिविटी है, तो आपको अपने शरीर के अंदर मन मस्तिष्क की कमजोरियों पर ध्यान देना चाहिए और उसे ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। और किसी से अगर कोई वार्ता हो रही है तो संकोच न करें, स्पष्ट बोलें और किसी तरह की गलतफहमी पैदा ना होने दें। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और एक बात कहना चाहूंगा, ठंडी चीजों से परहेज करिएगा, इस समय आइसक्रीम वगैरह खाना आपके लिए ठीक नहीं है। अपनों से सलाह लेकर के बड़े फैसले आप ले सकते हैं, वरना नुकसान हो सकता है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि दशम भाव में शनि, सूर्य और बुध हैं, सूर्य पीड़ित हो रहा है, तो अगर बड़े बुजुर्गों से आप सलाह नहीं लेंगे, किसी अनुभवी व्यक्ति से आप सलाह नहीं लेंगे और कोई काम करेंगे तो उसमें हो सकता है कि नुकसान हो जाए। तो आप कहेंगे पंडित जी ने तो कहा था कि ग्रह गोचर बहुत अच्छे हैं, फिर नुकसान कैसे? तो सावधानी तो बरतनी पड़ती है। सफ़ेद रंग के कपड़े आपको पहनना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो लगातार नजर बनाए रखिएगा और देखते रहेगा कालचक्र। और इससे पहले आइए बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि का राशिफल कैसा आज रहेगा, उनका पूरा दिन जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपके आमदनी का मालिक मंगल है
और ये मंगल इस समय खर्च के स्थान में बैठा हुआ है। अगर आमदनी का मालिक खर्च के स्थान में बैठ जाए तो आप भी मतलब समझ सकते हैं, खर्च घटाइए और बचत बढ़ाइए, क्योंकि खर्चे बढ़ेंगे और जब खर्चे बढ़ेंगे तो बचत होने में समस्या होगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि बेवजह के खर्चे कम करिए और थोड़ी सेविंग पर ध्यान दीजिए। हाँ, एक बात इतना ज़रूर कहूँगा कि दशम भाव में बृहस्पति और शुक्र हैं, स्वगृही बृहस्पति है, उच्च का शुक्र है, काम का बोझ बढ़ेगा, आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कहने जा रहा हूँ आपको, अगर आप मिथुन राशि के हैं तो आप अपने जीवन संगिनी या जीवन साथी से कोई भी बात न छिपाएं। अगर आप किसी तरह की पार्शियलिटी करते हैं, किसी तरह का दुराव और छिपाव करते हैं, तो ये आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत बुरा हो सकता है। बच्चों के खान पान का ध्यान रखें, सोच समझ करके किसी से बात करें। किन्नरों को आप हरा कपड़ा, चूड़ियाँ, ये सब चीज़ें दान कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की, तो आज इनका पूरा दिन कैसा रहने वाला है जान लेते हैं पंडित जी से कर्क राशि का राशिफल। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय कन्या राशि में है, 24° 52' पर, और व्यय भाव का स्वामी बुध शनि सूर्य के साथ 8 भाव में है, मृत्यु भाव में है। कहने का मतलब आज आप घरेलू सामान, गहने खरीद सकते हैं जिसके कारण आपका खर्च अनियंत्रित हो सकता है। मेरा सुझाव वैसे आपके लिए ये है कि अगर कोई भी काम आज आपको करना है तो पहले 10 मिनट उसकी प्लानिंग कर लें कि कैसे कैसे करना है, कैसे ख़त्म करना है, उसके बाद काम शुरू करें। अगर विवाह के योग्य आप हैं तो आपके घर वाले आज शादी के लिए बातचीत अगर करें तो ये शुभकारी होगा। यात्रा पर जाने वाले अपनी जांच जरूर करवा लें, अपने स्वास्थ्य की जांच जरूर करवा लें, क्योंकि तृतीय भाव का चंद्रमा और छठे भाव का बृहस्पति इस बात का संकेत कर रहा है कि यात्रा में या जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। आपको बताना चाहूँगा कि सफ़ेद चीज़ों का दान करना आपके लिए लाभकारी होगा। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए स्लेटी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए और एक और ज़रूरी जानकारी आपको बता दें एक बात फिर से, 4 अप्रैल को कालचक्र को 12 साल पूरे हो रहे हैं। आप अपने वीडियोस के माध्यम से कालचक्र के इस सुनहरे और बेमिसाल सफर का हिस्सा बन सकते हैं, पंडित सुरेश पांडे जी और कालचक्र की पूरी टीम का मनोबल बढ़ा सकते हैं। आप हमें अपने वीडियोस हमारे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं जो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नोट कर लीजिए, हमारा ईमेल आईडी है kalchakra@bagnetwork.in। आप अपने अनुभव हमसे साझा कीजिए और ये दिन हमारे लिए और आपके लिए भी खास बनेगा, क्योंकि हर दिन हम एक ईमेल कुंडली विजेता आपको हर दिन बताएंगे और आप अपना भविष्य पंडित जी से जान सकते हैं। तो भूलिएगा नहीं, लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है हमारा ईमेल आईडी। और चलिए अपनी चर्चा की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बात हम कर रहे हैं झाड़ू की। तो झाड़ू को नजरों के सामने रखना सही है या गलत? टूटे झाड़ू का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए? साथ ही घर में झाड़ू रखने की सही दिशा क्या होनी चाहिए? चलिए ये भी पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, ये बहुत सारे ज़रूरी सवाल हैं, कहाँ रखें, कैसे रखें, नज़रों के सामने रखें, नहीं रखें, बहुत ज़रूरी सवाल और ये जानना बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। घर या ऑफिस में जब भी झाड़ू का काम ना हो तो उसे नज़रों के सामने से हटा कर रखें। पूरे समय झाड़ू का दिखाई देना शुभ नहीं माना जाता है। खुले में रखी झाड़ू सकारात्मक ऊर्जा को खत्म करती है। टूटी झाड़ू का इस्तेमाल करना वास्तु दोष को बढ़ाता है, और ख़ास करके ऐसी झाड़ू जिसे आप लगा रहे हैं और उसमें से सींक या उसका अंश टूट टूट कर गिर रहा है, तो ये झाड़ू तो दरिद्रता को निमंत्रण देती है। इसलिए झाड़ू हर समय कसकर बंधी होनी चाहिए और
झाड़ू नई होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा खराब और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की हुई झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। घर में झाड़ू हर समय कोशिश करिए कि पश्चिम दिशा में रखिए। पश्चिम दिशा में झाड़ू रखने से नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है घर में। घर में झाड़ू रखने का जो सबसे अच्छा स्थान है वो वेस्ट साइड है, पश्चिम दिशा है। पश्चिम दिशा में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो इससे घर की नेगेटिविटी दूर होगी और सब कुछ कल्याणमय वातावरण से संपन्न होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जान लेते हैं राशिफल वृश्चिक राशि के लिए, तो आज इनके लिए पूरा दिन कैसा रहने वाला है जान लेते हैं पंडित जी से। चलिए, वृश्चिक राशि है तो अच्छी बात है कि मंगल की पूरी दृष्टि आपके राशि पर है और सुख स्थान में सूर्य बुध शनि है और संतान भाव में बृहस्पति शुक्र हैं। कहने का मतलब ये है कि आमदनी और खर्च का संतुलन बना रहेगा, एक हाथ से आएगा एक हाथ से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी सावधानी से काम करिए। कोई समस्या है तो अपने जीवन साथी को जरूर बताइए। तनाव बिल्कुल मन में मत लीजिए, मन को शांत रखने का प्रयास करिए। आपको भाग दौड़ से ब्रेक लेने की ज़रूरत है। दूध और दही किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं या शिव मंदिर में दान कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए एक है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। कि धनु राशि के जो भी जातक हैं उनका राशि स्वामी बृहस्पति अपनी राशि में मीन राशि में गोचर कर रहा है, केंद्रस्थ है। धन लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कारोबार और नौकरी में नए अवसर भी प्राप्त होंगे। केंद्र में जब दो दो शुभग्रह हैं तो क्यों नहीं प्राप्त होंगे, और तीसरा शुभग्रह चंद्रमा भी है तो जरूर प्राप्त होंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियों में आप व्यस्त भी रहेंगे, अगर बीमार हैं थोड़ा आराम मिलेगा। अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं, सतर्क रहें। नशीली चीज़ों का त्याग करें। शुभ अंक आपके लिए चार है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी मकर राशि की, तो चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की और जान लेते हैं उनका भाग्य आज कैसा रहेगा। देखिए, आपके धन भाव में धनेश शनि स्वगृही है, बुध सूर्य के साथ है और आपके पराक्रम भाव में बृहस्पति शुक्र की स्थिति है, संतान भाव में मंगल है। हर तरफ से धन लाभ होगा, बचत भी होगी, अच्छा अवसर मिलेगा, कार्य क्षमता बढ़ेगी। अपने परिवार के साथ समय बिताइए, तनाव मत लीजिए, खुश रहिए। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो सावधान रहिए, हल्दी की गांठ अपने पास रखिए। शुभ अंक आपके लिए दो है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बारी कुंभ राशि की और कुंभ राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा चलिए जान लेते हैं। कुंभ राशि में देखिए सूर्य बुध शनि तीन ग्रहों की स्थिति है, ऐसे में बताना ये जरूरी है कल के लिए आज बचत करना जरूरी है, क्योंकि ट्रांजिट बदल रहा है, आर्थिक तंगी आने के संकेत हैं, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। वैसे डरिएगा मत, आपके ऊपर साढ़े साथी जरूर है लेकिन कुंभ राशि वालों को साढ़े साथी परेशान नहीं करती है। मन को शांत रखते हुए कोई भी काम करिए, संतान सुख प्राप्त होगा, जितना हो सके आराम करिए। किसी भी तरह के दबाव से बिल्कुल बचिए, फिटकरी पानी में घोलकर कुल्ला करिए। शुभ अंक आपके लिए पांच है, शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि के लिए और जान लेते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत रहने वाला है, बात करें मीन राशि की। चलिए, आपके राशि में 19:46 कला पर बृहस्पति की स्थिति है मेरे भाई, शुक्र भी साथ में है लेकिन धन भाव में राहु है, व्यय भाव में शनि। मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी को पैसे उधार मत दीजिए, नहीं तो मिलेगा नहीं, और कोई डॉक्यूमेंट्स मत बनाइए। तनाव लेकर काम मत करिए, नहीं तो नुकसान होगा। महिला मित्र से नोकझोंक संभव है, पेट में तकलीफ हो सकती है, आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। किसी के लिए गलत बात न बोलें। शुभ अंक आपके लिए तीन है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी।